यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्यों सबके सामने छुए इस महिला के पैर, वीडियो देखते ही हैरान हुए लोग। भाजपा अध्यक्ष का ये रूप देखकर भाजपाइयों ने पूछे सवाल, तो खुद महिला ने सामने आकर जताया सम्मान। देखिए कौन है ये महिला और क्यों अब पूरे यूपी में हो रही एक वीडियो की चर्चा। यूपी में निकाय चुनाव का दौर चल रहा है और सपा बीएसपी के साथ साथ बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत चुनावों में झोंक दी है। इस चुनाव अभियान के दौरान की कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। एक तस्वीर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और गाजियाबाद बीजेपी मेयर उम्मीदवार सुनीता दयाल अग्रवाल की सामने आई है, जिसमें भूपेंद्र चौधरी गाजियाबाद बीजेपी मेयर उम्मीदवार सुनीता दयाल अग्रवाल के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद बीजेपी मेयर उम्मीदवार सुनीता दयाल अग्रवाल ने इस वीडियो को खुद अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए अपनी राय दी है और खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, एक साधारण सी कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान मिलना किसी सपने से कम नहीं है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी ने अपने बड़प्पन से मेरी तपस्या को चरितार्थ किया है, उसके लिए मैं सदैव उनकी आभारी रहूंगी। ये क्षण मेरे लिए बेहद भावुक और कृतज्ञ बनाने वाला है। सुनीता दयाल अग्रवाल ने और भी कई बातें और तारीफों के पुल बांधे हैं। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में गाजियाबाद मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल अग्रवाल ने कहा था कि इस रग में आरएसएस का खून है, इस रग में कमल जीता है। मैं इस बात को मानती हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। उन्होंने कहा कि हिंदू रीति रही है कि हम मस्जिद के सामने से जाते हैं तो हाथ जोड़कर सजदा करते हैं। यह हमारे हिंदू धर्म में हमें सिखाया गया है और हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते। गाजियाबाद नगर निगम में भी बीजेपी ने अपनी मौजूदा महापौर आशा शर्मा की बजाय पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दयाल अग्रवाल को प्रत्याशी बनाकर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गाजियाबाद मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने टिकट वितरण से नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी को देखा और उसे झेला भी। कई नेताओं को उन्होंने मनाया और कहा कि हम आपके साथ हैं। नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिए गए, जबकि कई साल से पार्टी को मजबूत करने में जुटे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई थी। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि उन्हें भी कई बार टिकट नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाराजगी जताएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नाराज कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया है कि पार्टी में उनका मान सम्मान और प्रभाव किसी भी सूरत में कम नहीं होने देंगे। बेशक कुछ लोग मजबूत दावेदार थे, लेकिन पार्टी निर्णय स्वीकार करना चाहिए। एक टिकट कटने से राजनीतिक अस्तित्व खतरे में नहीं आता, भविष्य को समर्पित कर देना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। भूपेंद्र चौधरी ने स्वीकार किया कि कुछ लोग बहुत मजबूत दावेदार होते हुए भी छूट जाते हैं। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि वो दो बार चुनाव में टिकट नहीं हासिल कर पाए, लेकिन उन्होंने पार्टी से बगावत नहीं की। चुनाव हारने के बावजूद 5 साल से अधिक समय तक प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए। कई अन्य पदों पर रहने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ किया कि केवल चुनाव लड़ने से ही पार्टी में बड़ा नेता नहीं हो जाता, संगठन में भी कई जिम्मेदारियां होती हैं जिनको निभाना होता है और अपना समर्पण दिखाना होता है।